और गया में एक ऐसा एकेडमी खुल गया जिस एकेडमी में देश के अलग अलग कोना से छात्र आकर के ट्रेनिंग लेते हैं और 3 दिन के ट्रेनिंग के बाद घर बैठे लाखों रुपए कमाना शुरू कर देते हैं। अच्छा, कमाई उमाई कुछ होता है? मैंने पहले भी ट्रेनिंग कर चुका हूँ, ठीक है सर। तो मतलब मंथली का 50,000 से 1,00,000 रुपए का मैं आमदनी कर लेता हूँ अभी। 50,000 से 1,00,000 रुपए कमा लेते हैं मंथली इस एकेडमी में ट्रेनिंग करके। यस, के बारे में जो बिल्कुल एबीसीडी भी नहीं जानते वो लोग बोलेंगे कि जुआ है, और जो जानते हैं वो सब टेक्निकल के हिसाब से करेंगे। कितना कमाई कर सकता है आदमी इसमें? वो समुंदर है, जितना पानी निकाल लीजिए। 4 घंटा शाम में भी बैठ के कमा सकते हैं। अगर आप फुल टाइम ट्रेडर हैं तो सुबह 9 बजे से बैठ करके रात में 11 बजे तक मार्केट चलती है। तो स्टूडेंट वर्ग के लोग जो पढ़ाई करते हैं, अगर शाम के 5 बजे से लेकर के 9 बजे रात तक बैठते हैं, मेहनत करते हैं, तो कितना कमा सकते हैं डेली? आप वो मिनिमम 2,000-3,000 रुपया तो इजिली निकाल लेता है मात्र 4 घंटा में। 2-3 हजार कमाई इजिली कर सकते हैं मात्र 4 घंटा में हो जाएगा 2-3 हजार। पर डे का 2 से 3 हजार कमा लेता हूँ। 2 से 3 हजार यानी कि महीने का 1,00,000 रुपए पहुँच जाता है। बस ऐसे टाई बेल्ट लगा के महीने का 1,00,000 रुपए कमा लेते हैं। और क्या, कहाँ जाके कमाते हैं? बस घर पे बैठ के, घर पे बैठ के 1,00,000 रुपए कमा लेते हैं। ये बताइए कि आप यहाँ कब से ट्रेनिंग करती हैं? ये दोबारा ट्रेनिंग हो रहा है आपका? दोबारा ट्रेनिंग हो रहा है? एक बार पहले कर चुके थे पर कुछ उतना समझ में नहीं आया, फिर सेकंड बार फिर से। सेकंड बार में करने लगे? मैं लगभग पिछले नवंबर में ट्रेनिंग किया था। अच्छा, और 3 से 4 महीने प्रैक्टिस किया, और अभी मेरा पर डे का 8,000 रुपए $100 का टारगेट रहता है, वो अचीव होता है। माने कि $100 एक दिन में कमाते हैं। इस बदलते समय में बहुत सारे लोग जो हैं रोजगार के बिना बेरोजगार बने हुए हैं, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पैसों के अभाव में कुछ बड़ा नहीं कर पाते हैं। तो एक बेहद बड़ी जानकारी मैं आपको बता दूं कि इस वक्त हम लोग गया में मौजूद हैं, और गया में एक ऐसा एकेडमी खुल गया जिस एकेडमी में देश के अलग अलग कोना से छात्र आकर के ट्रेनिंग लेते हैं और 3 दिन के ट्रेनिंग के बाद घर बैठे लाखों रुपए कमाना शुरू कर देते हैं। अभी हम गाया के प्रेम MCX ट्रेनिंग एकेडमी में मौजूद हैं। हमारे साथ प्रेम सर, हम आपको बताएंगे उस बिजनेस के बारे में, वो कौन सा बिजनेस है जिसमें मात्र 3 दिन ट्रेनिंग करना होगा, और 3 दिन के ट्रेनिंग के बाद मात्र 4 घंटा समय इन्वेस्ट करिए और 1,00,000 रुपए कमाना शुरू कर दीजिए। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। मेरा नाम प्रेम कुमार है, और मैं आपके माध्यम से, पुजारी मीडिया के माध्यम से, आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। ये सर आपका ये एकेडमी है जी, क्या नाम से एकेडमी चलता है? प्रेम MCX ट्रेनिंग एकेडमी के नाम से हमारा शेयर मार्केट का ट्रेनिंग देते हैं यहाँ पे। देखिए, शेयर मार्केट को अभी बिहार में कोई नहीं सिखाता था, सीखने के लिए लोग दिल्ली जाते थे, मुंबई जाते थे, और बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे यहाँ मुंबई से लोग चल करके गया में, बिहार और बिहार के नाम से बहुत लोग आने से डरते थे और अभी गया में आकर ट्रेनिंग करते हैं। मुंबई है, गुजरात है, दिल्ली है, बाहर से लोग बिहार आते हैं ट्रेनिंग करने के लिए, बिहार के लोगों को नहीं पता है। तो आप इस काम को कर करके एकदम सेल्फ इंडिपेंडेंट, आप जितना चाहे उतना पैसा अपनी मर्जी के अनुसार निकाल सकते हैं, जितना आपको नीड होगा उतना पैसा आप इस मार्केट से निकाल सकते हैं, जितना जरूरत होगा उतना पैसा कमाई किया जा सकता है। जी, इसमें देखिए क्या है कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो नॉर्मल आपका लाइफ चलता है, अगर एवरेज पूरा इंडिया को देखा जाए तो 50,000 रुपीज से ज़्यादा लोग नहीं कमाता है। उसमें उसका अगर बाल बच्चा को अच्छे स्कूल में, नॉर्मल स्कूल में पढ़ा लेता है, या फिर उसका रोटी सब्जी चल रहा है उससे बहुत है, तो वो अपने लाइफ में एक घर बना रहा है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करता। लेकिन आप इस काम को करके, जितना भी नीड है, आपको जरूरत है कल 10 लाख रुपये का, तो आप 1 महीने में 10 लाख रुपये इस मार्केट से निकाल सकते हैं। माने जितना जरूरत हो लाखों करोड़ रुपये कमाए जा सकते हैं। लेकिन देखिए, शेयर मार्केट्स में ये सच्चाई है कि लोग लॉस करते हैं। कारण क्या है कि देखिए, किसी भी काम को करेंगे, कोई भी काम को बिना नॉलेज के साथ करते हैं तो उसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी। इसी तरीके से शेयर मार्केट्स भी है। शेयर मार्केट चलता कैसे, उसका बिहेवियर क्या है, कुछ न कुछ तो तरीका होगा। मार्केट अगर ऊपर जा रहा है, मार्केट नीचे आ रहा है, तो कुछ न कुछ उसका बिहेवियर होगा। अगर वो आपको पता हो जाए, उस चीज़ को अगर आप जान जाते हैं, तो आप मार्केट से जितना चाहे उतना पैसा निकाल सकते हैं। अच्छा, शेयर मार्केट के बारे में ज़्यादातर लोग ये बताते हैं कि उसमें अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो फायदा होता है और नीचे आएगा तो नुकसान होता है, इसका क्या? ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ मार्केट ऊपर ही जाएगा तो फायदा होता है। आपको पता होना चाहिए कि मार्केट नीचे गिरने पे भी हम लोग पैसा बनाते हैं। नीचे गिरेगा फिर भी कमाई होगा। हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि मार्केट में सिर्फ मोमेंट हो, ऊपर हो और नीचे हो, उसको देखिए क्या है कि लोग को पता होता है कि कम प्राइस पे शेयर को खरीदेंगे और ऊपर जाएगा, ज्यादा प्राइस पे बेचेंगे तो प्रॉफिट होता है, बट ऐसा नहीं है। हम जो है पहले सेल भी कर सकते हैं, शॉर्ट सेलिंग उसको बोला जाता है, और जब नीचे प्राइस आएगा तो हम बाई करेंगे, हमारा क्वांटिटी जीरो हो जाएगा, तो जो भी बीच का डिफरेंट होगा वो हमारा प्रॉफिट होता है। अच्छा। तो आप बाई करके भी पैसा कमा सकते हैं अगर, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, ये आपको पता होना चाहिए, तो आप पहले खरीदारी करेंगे बाद में बेचेंगे। अगर आपको पता होगा कि मार्केट गिरने वाला है तो पहले आप माल को बेचेंगे, उसके बाद जब नीचे आएगी तो आप
बाई करेंगे आपका प्रॉफिट होगा। राजस्थान का लड़का है वो पहले जब ट्रेड करता था बहुत ऐसा हो गया था उसका स्थिति, इतना लॉस वो कर लिया था कि चिड़चिड़ा हो गया था। मतलब उसका अगर जहाँ पे वो काम करता था वहाँ पे अगर उसका वाइफ चला जाए, बेटा चला जाए, तो वो डांट के भगा देता। आज उसका ये स्थिति है कि आज बच्चे को बैठा के साथ में ट्रेड कर रहा है, एकदम बहुत अच्छा उसका फील होता है। बच्चे को भी बता रहा है कि ऐसे हम आज इतना प्रॉफिट किया, वाइफ खुश है, उसका बच्चा खुश है। राजस्थान का लड़का यूट्यूब पे जाके देखिएगा, उसका इंटरव्यू पूरा मिलेगा। तो इस तरह जी मेरा यहाँ आकर के वो सीखा है, राजस्थान से गया में आकर के सीखा है। जी जी, मुंबई से आते हैं लोग, बेंगलुरु से आते हैं, साउथ का बहुत सारा एरिया है जो कवर किया है। ज्यादातर हमारा स्टूडेंट राजस्थान का है, मुंबई का है, दिल्ली का है, स्टेट से भी लोग यहाँ पे आते हैं ट्रेनिंग के लिए। पूरे इंडिया से, बिहार के बहुत कम ऐसे स्टूडेंट है जो यहाँ पे आता है ट्रेनिंग करने के लिए। बिहार के लोग जानते ही नहीं कि शेयर मार्केट क्या होता है, और शेयर मार्केट से बहुत ज्यादा आप पैसा बना सकते हैं। जो यहाँ पे रोजगारी है, लोग बाहर में जाते हैं काम करने के लिए, या फिर जो गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रहा है और नहीं होता है उनका जॉब, उन लोगों को, उन स्टूडेंट को भी मैं कहना चाहूंगा कि सेल्फ इंडिपेंडेंट बनो, खुद का बिजनेस करो, और बहुत पैसा है। आप उतना सोच नहीं सकते हैं उतना पैसा, लेकिन प्रोसेस के साथ गैम्बलिंग नहीं करना है। अच्छा, गैम्बलिंग करेंगे तो लॉस होगा। अच्छा, आपके साथ अगर कोई स्टूडेंट जुड़ता है, आपके पास ट्रेनिंग लेता है, फिर वो कितना कमाई कर सकता है? कमाई करने का कोई सीमित नहीं है, आप रिस्क कितना लेते हैं उसका कैपिटल पे निर्भर करता है। आप कितना कैपिटल है, आपका जो प्रोसेस है उस कितना, देखिए कमाई आप अगर प्रोसेस के साथ बढ़ाएंगे तो बहुत ज्यादा हो सकता है, बहुत ज्यादा हो सकता है, उम्मीद से भी ज्यादा हो सकता है। जी जी, अभी जो है आपका बैच चल रहा है यहाँ पे, जी हम कुछ विद्यार्थी से भी बात करना चाहते हैं, कर सकते हैं। और बाकी आप देख सकते हैं कि अभी जो हम इनके अकेडमी प्रेम MCX अकेडमी गया में वहीं पे मौजूद है, यहाँ पे छात्रों का जो है अभी जो है ट्रेनिंग चल रहा है। कुछ लोगों से हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? आदित्य कुमार। कहाँ से आए हैं? गया से। गया से ही है। कैसा लग रहा है यहाँ पे ट्रेनिंग करके? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, कमाई उमाई कुछ होता है? मैंने पहले भी ट्रेनिंग कर चुका हूँ, ठीक है सर। तो मतलब मंथली का 50,000 से 1,00,000 रुपए का मैं आमदनी कर लेता हूँ अभी। 50,000 से 1,00,000 रुपए कमा लेते हैं मंथली इस अकेडमी में ट्रेनिंग करके? यस सर। और आगे क्या कितना कमाना है? आगे मतलब सोच से ज्यादा कमाना है। ये लोग एकदम बैठे हुए बैठे रहना, छापते रहना है। बाकी कुछ और लोगों से बात करते हैं कि इसमें कैसे क्या होता है। क्या नाम है आपका? सुजीत कुमार। अच्छा, यहाँ पे कब से ट्रेनिंग करते हैं आप? ये तीसरा दिन है मेरा। तीसरा दिन इसी बैच में। 3 दिन में क्या कुछ समझे? काफी कुछ समझ गए, कुछ कुछ टेक्निकल चीज था जो समझ में नहीं आ रहा था। अच्छा, जो लोग ये कहते हैं कि शेयर मार्केट एक तरह का जुआ है, उन लोगों से क्या कहेंगे आप? वो उसके बारे में जो बिल्कुल ABCD भी नहीं जानते वो लोग बोलेंगे कि जुआ है। हाँ। और जो जानते हैं वो सब टेक्निकल के हिसाब से करेंगे। कितना कमाई कर सकता है आदमी इसमें? वो समुंदर है जितना पानी निकाल लीजिए। एकदम से ये लोग जो एकदम बेधड़क तरीके से बात कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? अमित कुमार। अमित जी, कहाँ से हैं आप? मैं गया से हूँ। आप ही गया से हैं। कितना कमा लेते हैं? मैं पर डे का 2 से 3 हजार कमा लेता हूँ। 2 से 3 हजार यानी कि महीने का 1,00,000 रुपए? हाँ, पहुंच जाता है। बस ऐसा टाई बेल्ट लगा के महीने का 1,00,000 रुपए कमा लेते हैं। हाँ, और क्या? कहाँ जाके कमाते हैं? बस घर पे बैठ के। घर पे बैठ के 1,00,000 रुपए कमा लेते हैं ये लोग। कॉन्फिडेंस के साथ एकदम बोल रहे हैं, कॉन्फिडेंस बोलता है कहा जाता है ना। कुछ और लोगों से बात करते हैं। बाकी क्या नाम है आपका? मेरा नाम साकेत कुमार है। कहाँ से है? मैं गया डिस्ट्रिक्ट का ही हूँ, और मैं लगभग पिछले नवम्बर में ट्रेनिंग किया था। अच्छा। और 3 से 4 महीने प्रैक्टिस किया, और अभी मेरा पर डे का 8,000 रुपया $100 का टारगेट रहता है, वो अचीव होता है। माने कि $100 एक दिन में कमाते हैं? जी। महीने का 2,50,000 रुपए कमा लेते हैं? नहीं नहीं, जैसे मार्केट 5 डेज ही चलता। अच्छा। है तो लगभग $2,000 के आसपास हो जाता है। $2,000 जी कमा लेते हैं लगभग आप 1,50,000 के आसपास। आप खड़ा होइए थोड़ा। अगर अगर इस इंस्टीट्यूट के साथ, एकेडमी के साथ कुछ नए लड़के जुड़ते हैं, तो वो 3 दिन का ट्रेनिंग करके कितना रुपए कमाना शुरू कर देंगे? ट्रेनिंग करने से नहीं होता, आप कितना कितना जो ट्रेनिंग में बढ़ाया जाता है, कितना आप समझ पाते हैं। तो हमने ट्रेनिंग किया, हमें अच्छा लगा, और इसी जो सर बताए हैं उसी स्ट्रेटजी पे हर डे पैसा बनता है, और उसी पे हम लोग काम करते हैं, कमाना शुरू कर दिया। बाकी कुछ और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित है। एकदम छाप रहे हैं, व्यस्त हैं। हाँ सर, अभी सफाई चालू है। जी बिल्कुल चालू है सर। कहाँ से हैं आप? मैं गया से ही रहने वाला हूँ। गया कहीं रहने वाला। कब से ट्रेनिंग लेते हैं यहाँ पे? अभी तो मेरे को हो गया, साल भर हो गया, और जितना मतलब सीखेंगे उतना पैसा कमाएंगे। पहले लर्निंग फिर अर्निंग। अच्छा, तो पहले लर्निंग किया, अब अर्निंग कर रहे हैं, तो कितना कमा लेते हैं? तो अभी महीने का 50 से 1,00,000 रुपए। लर्निंग में कितना कमा लेते थे? लर्निंग में सर वही कम से कम पर डे का 1,500-2,000 ऐसे ही जनरेट कर लेता था। 1,500-2,000 रुपए कमा लेते हैं। और अभी कितना कमा लेते हैं? और अभी 1,50,000 रुपए तक थक जा रही है। महीने का 1,50,000 कमा लेते हैं। बस एक लैपटॉप लेकर बैठे रहना है। बस बैठे रहना है, कमाते रहना है। बिल्कुल सर, और सर की हेल्प से बहुत ज्यादा, और कॉर्पोरेट भी मिलता है तो और अच्छा लगता है, और आगे प्रोसेस बढ़ेगी हमारी। एक और भाई साहब, इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका?
कुणाल कुमार नाम। अच्छा, कहाँ से है कुणाल भाई आप? गया से ही है। गया से ही है। कब से ट्रेनिंग लेते हैं यहाँ पे? ट्रेनिंग की वजह से तो हो गया, एक महीना हो गया है, लेकिन लगभग इस शेयर मार्केट में हम तीन साल से हैं। तीन साल से हैं। अच्छा, यहाँ पे जब से ट्रेनिंग लिए तो क्या कुछ बदला हुआ, क्या कुछ सीखने को मिला? बदला ये कि सबसे पहले हम जो पहले ये ट्रेडिंग कर रहे थे तो हम गैम्बलिंग कर रहे थे, कहीं ऊपर जाता था तो बाय करते थे, नीचे आता था तो सेल करते थे। लेकिन सर का ट्रेनिंग लेने के बाद पता चला कि कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे सेल करना है, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, यही सब सीखने को मिला सर के साथ। अच्छा, पहले पहले तो नुकसान में भी जाते होंगे? हाँ, नुकसान में तो गए। और अब क्या क्या स्थिति है? अभी कुछ प्रॉफिट हुआ है, मतलब देखा जाए तो अभी लगभग 15 से 20 हजार सेफ जोन में अभी महीना का निकाल लेते हैं। 15 से 20 हजार कमा लेते हैं। हाँ, अच्छा, आदमी इसमें कितना कमाई कर सकता है? इसका कोई अंत नहीं है, अनलिमिटेड कमाई कर सकता है। अनलिमिटेड? हाँ, जितना चाहे उतना कमा सकता है। जितना चाहे उतना कमाई कर सकता है। बस जो सर बताए हैं, बस उस प्रोसेस को फॉलो करते जाए। मैंने एक नियम के तहत काम करना। हाँ, नियम के तहत काम करना। पहले क्या था कि हम लैपटॉप के साथ जो भी अपना सिस्टम के साथ बैठते थे तो माइंड में एक सेट रहता था कि हमको आज 15 हजार निकाल के रहना है, और 15 हजार की जगह हम 20 हजार मार्केट को दे देते थे। लेकिन सर बताया कि वो पैसा को माइंड में नहीं रखना, जो हम प्रोसेस बताएं उस प्रोसेस को करना है। बस वो प्रोसेस जो सर बताए उसको करते जाइए, पैसा खुद ब खुद आपके पॉकेट में आते रहेगा। बाकी लोगों से क्या कहना चाहेंगे? बाकी लोगों से यही कहना चाहेंगे कि सबसे पहले मार्केट में आए हैं तो सीखिए, ये मत सोचिए कि पहले पैसा है पहले पैसा है। अगर सोचिएगा कि पैसा है तो पैसा मार्केट को आप दे दीजिएगा। पहले आप सीखिए, उसके बाद स्ट्रेटजी के साथ काम कीजिए, पैसा खुद ब खुद आएगा। कहाँ तक कमाई, कहाँ तक पढ़ाई की है आप? हम तो अभी पार्ट थर्ड में, अभी पढ़ाई चल रहा है, ग्रेजुएशन कर रहे हैं। अच्छा, बाकी कुछ ऐसे लोग भी हैं जो काफी पढ़े लिखे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट भी हैं, लेकिन फिर भी घर पे बैठे ऐसे बेरोजगार की तरह रहते हैं। बेरोजगार इसलिए है क्योंकि वो सिर्फ डिग्री अपना मैट्रिक किए, इंटर किए, ग्रेजुएशन किए, एमबीए किए, सब ताखा पे रखे हुए हैं, उनके पास स्किल्स नहीं है। इंडिया में खास करके लोग है कि लोग है जो एजुकेशन पे नहीं, वो डिग्री के पीछे भागता है। तो हमारा यही कहने का तात्पर्य है कि डिग्री के पीछे नहीं भागे, स्किल के पीछे भागे। अपने अंदर कोई भी एक ऐसा हुनर लेके आए कि कहीं भी रहे वो पैसा कमाए। एक चीज में परिपक्व होना चाहिए, अपने मतलब अपने अपने फील्ड का एक पक्का खिलाड़ी बनना चाहिए। जब तक अपने फील्ड का आप पक्का खिलाड़ी नहीं बनिएगा, आप पैसा नहीं छाप सकते हैं। आप प्रेस रिपोर्टर हैं, मतलब पुजारी मीडिया का, आप इस फील्ड में अगर पक्का खिलाड़ी बन जाएंगे तो पैसा बहुत आपके पीछे आएगा। और हम भी शेयर मार्केट में ट्रेडिंग में इस फील्ड का पक्का खिलाड़ी बनना चाह रहे हैं, और इंडिया में कहीं भी रह के पैसा छापेंगे, कहीं भी रह के पैसा छापेंगे। इसमें यह है कि सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसमें यह है कि आपका टाइम फ्रीडम है और मनी फ्रीडम है। मनी फ्रीडम कहने का मतलब है इंडिया के या वर्ल्ड के कोई भी कोना में रहिए, सिर्फ आपके पास इंटरनेट रहना चाहिए और डीमैट अकाउंट में फंड रहना चाहिए, फिर आप छापिए नोट, जितना छापना उतना छापिए और अपने ड्रीम को पूरा कीजिए। क्या बात है, एकदम कॉन्फिडेंस बोलता है, कहा जाता है ना। कुछ और लोगों से जान ही लेते हैं, थोड़ा सा इधर चाहिए, आगे चाहिए। क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम हेमंत कुमार। एकदम चेहरा मुस्कुराता हुआ, कितना कमा लेते हैं? सर अभी तो स्टार्टिंग किया, स्टार्टिंग किया, इस मंथ से ज्वाइन किया सर। अभी ज्वाइनिंग किया जी। कैसा लग रहा है यहाँ पे ट्रेनिंग सर? बहुत अच्छा लग रहा है, प्राइस एक्शन मार्केट स्ट्रेटजी सब कुछ सीखना पड़ता। कहाँ से, कहाँ तक पढ़ाई किया है सर? अभी ग्रेजुएशन इसी साल कम्प्लीट हुआ, बिहार को तो आप जान ही रहे हैं ग्रेजुएशन में कितना टाइम लगाता है। ग्रेजुएशन कम्प्लीट हो गया जी सर, बाकी अब शेयर मार्केट से जुड़े हैं जी सर। कुछ और लोगों से हम बात कर लेते हैं, कुछ और लोगों से हम जानने का भी प्रयास कर लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम नलिन कुमार हुआ। आपका चश्मा, आपका हुलिया देख के बता रहा कि सांचो आप ज्यादा छापते हैं। हम तो सर प्रॉपर्टी डीलर के काम करते थे, तो आपका चेहरा ही बता रहा है, हम देख के ही समझ गए थे। मेरा सर जो है मेरा गुरु है, हम लोग साथ में मतलब 10 साल से मेरा दोस्ती था। 10 साल से दोस्ती है। सब कुछ इनके बारे में पता चला कि शेयर मार्केट में ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो हम भी लोग सीख के छापना चालू कर दिए हैं, फिर अभी छापने के लिए आ गए। कब से ट्रेनिंग लेते हैं यहाँ पे? अभी तो 2 बार से ट्रेनिंग चल रही है मेरा। कैसा लग रहा है यहाँ पे आने के बाद? बहुत अच्छा लगा। क्या लग रहा, कितना कमाइएगा बाद में? कमाने के लिए तो अनगिनत कमाने के लिए आए हैं। अनगिनत कमाने के लिए आए हैं। हाँ, जब कमाने लगेगा तो एक बार याद करिएगा। जरूर याद करेंगे। बाकी इन लोगों से भी हमको थोड़ा थोड़ा उम्मीद है, कुछ और लोगों से हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार असंभव को संभव कैसे बनाया जाए। क्या नाम है आपका? एकता कुमारी। क्या नाम? एकता कुमारी। अच्छा, यहाँ पे कब से ट्रेनिंग लेती हैं आप? ये मिला के 2 बार हो गया, थोड़ा जोर से बोलिए। पहले हुआ था ट्रेनिंग। खाना खाई है? थोड़ा सा आवाज में बोल्ट चलाइए। हाँ, अब बताइए कि आप यहाँ कब से ट्रेनिंग करती हैं? ये दोबारा ट्रेनिंग हो रहा है। आपका दोबारा ट्रेनिंग हो रहा है? एक बार पहले कर चुका था, पर
कुछ उतना समझ में नहीं आया, फिर सेकंड बार फिर से सेकंड बार में करने लगे। अच्छा, क्या कुछ बदलाव हुआ शेयर मार्केट में जो आप अपना एक्सपीरियंस देती हैं उसमें क्या कुछ बदलाव हुआ यहाँ ट्रेनिंग लेने का समय? पहले तो कुछ भी समझ में नहीं आता था, मतलब शेयर मार्केटिंग बस नाम जानते थे। अब 50% ज्यादा फर्स्ट ट्रेनिंग में आया, उसके बाद फिर अब समझ में आया। अब बहुत कुछ आने लगा है, अब तक कुछ कमाई होता है कि नहीं होता है? हाँ, डेली का 2-3 हज़ार रुपये हो जाता है। 2-3 हज़ार रुपये डेली का कमा लेती है, माने कि एक लड़की होकर के भी लैपटॉप के सामने बैठ कर 2-3 हज़ार कमा लेती है। आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है। अच्छा, बाकी उन लड़कियों से क्या कहेंगे जो लोग दिन भर व्हाट्सएप पे चैटिंग, फोन पे हाय हेलो इधर उधर जाना करती है, उन लोगों से क्या कहेंगे आप? वो सबसे साइड होकर सबसे पहले ये सब अपना आत्मनिर्भर बनने का कोशिश करे, पैसा रहेगा तो सब चीज हो जाएगा, पैसा नहीं हो तो सब बेकार है। बाकी ये लड़की है लेकिन इनका भी एक्सपीरियंस लेवल बता रहा है कि आगे कुछ ना कुछ करेंगी। आपने सर लगभग बहुत सारे लोगों को परिपक्व कर दिया, अच्छा लगा मुझे आपके एकेडमी में आने के बाद भी। लेकिन बिहार के तमाम उन युवा वर्ग के लोगों से आप क्या कुछ कहना चाहेंगे जो आज भी रोजगार की तलाश में अपने बूढ़े बाप की कमाई खाते और घर पे बैठकर दिन रात फॉर्म डालते लेकिन एग्जाम कब होगी इस बात की कोई गारंटी नहीं होती, उन लोगों से क्या कहेंगे आप? हम तो यही कहेंगे कि देखिए आप जो है सेल्फ इंडिपेंडेंट बनो, माँ बाप का बोझ मत बनो, आप जो है कोशिश करो कि हम खुद से पैसा बनाए, अपना बिजनेस को स्टार्ट करो, छोटी सी रकम से इस चीज को आप स्टार्ट कर सकते। पार्ट टाइम जॉब ही है, पार्ट टाइम जॉब नहीं, इसको बिजनेस बोलेंगे, जॉब नहीं बोलेंगे, क्योंकि देखिए ये काम को कभी भी आप कर सकते हैं। आप अगर बिजनेस करते हैं, आप अगर जॉब करते हैं, सिर्फ 5 बजे शाम से 9 बजे शाम तक 4 घंटा टाइम देना है और आप लाखों रुपया 50,000-10,000 जो भी आपका है आप अपने रिक्स के अनुसार, आप कितना रिक्स लेते हैं वो मैटर करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका रिक्स भी है, डिसाइडेड है। अच्छा सर, ये शेयर मार्केट में काम करने के लिए कब से कम समय देना होगा और कितना से कितना पैसा कमाई हो सकता है? आप 4 घंटा शाम में भी बैठ के कमा सकते हैं, अगर आप फुल टाइम ट्रेडर हैं तो सुबह 9 बजे से बैठ करके रात में 11 बजे तक मार्केट चलती है, जिसमें हमारा इंडिया का जो मार्केट है 9 बजे 9:15 में खुलती है, 3:30 में बंद होती है, इसमें भी काम कर सकते हैं, फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं, MCX मार्केट में ट्रेड करते हैं जो 11:30 बजे रात तक चलता है। अच्छा, जो स्टूडेंट वर्ग के लोग जो पढ़ाई करते हैं अगर शाम के 5 बजे से लेकर के 9 बजे रात तक बैठते हैं मेहनत करते हैं तो कितना कमा सकते हैं डेली? आप वो मिनिमम 2,000-3,000 रुपये तो इजिली निकाल लेता है, मात्र 4 घंटे में 2-3 हज़ार कमाई, इजिली 4 घंटे में हो जाएगा। देखिए हमारा एक मुहिम चल रहा है कि इंडिया के हर कोना में मेरा कमांडो होगा और हर कमांडो का अकाउंट पॉजिटिव होगा, उस पर हम लोग काम करते हैं। देखिए मेरा कोर्स बेचना कोई मकसद नहीं है, क्योंकि कोर्स बेचने के लिए शेयर मार्केट का बहुत सारा लोग है, अगर आप YouTube पे जाकर सर्च कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए, बहुत सारा लोग है, लेकिन वो कोर्स बेचा आज आके ट्रेनिंग किए कल से कोई मतलब नहीं, कल आपका कॉल नहीं उठेगा, लेकिन मेरा ऐसा कुछ नहीं। हम लोग सपोर्ट क्या करते हैं कि आप पूरे 1 ईयर्स तक जितना एक बार आप कीप ये किया ट्रेनिंग किया 1 ईयर्स तक आप जितना बार चाहो उतना बार ऑनलाइन क्लासेस ऑफलाइन क्लासेस सारा आपको दिया जाएगा, 2 बार 3 बार 4 बार, क्योंकि ये शेयर मार्केट नए लोगों के लिए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो नहीं समझ में आता है, थोड़ी थोड़ी चीजें हैं जो आपको रह जाएगा तो बाद में अगर उसको दोबारा करेंगे, तीसरा बार करेंगे, चौथा, देखिए अभी हर एक काम एक ही काम को बार बार अगर हम करते हैं तो वो सारा चीज हम क्लियर हो जाएगा। जब क्लियर हो जाएगा तो आप अपना पैसा को डेली डबल कर सकते हैं, हम अपना पैसा को डेली डबल करते हैं, 100% रिटर्न निकालते हैं, आप भी कर सकते हैं। हमारा क्या प्रोसेस है, ट्रेनिंग करेंगे, ट्रेनिंग करने के बाद मिनिमम 15 दिन आपको प्रैक्टिस करना है, उसके बाद आप छोटे से अमाउंट से सिर्फ 2,000 रुपया लगा करके आप ट्रेड को स्टार्ट करो, आप डेली का 20% 30% शुरुआत से आप निकाल सकते हैं, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे प्रोसेस के साथ आगे बढ़ना है और आपका प्रॉफिट उस अनुसार बढ़ते चलेगा, 50% 60% आप भी 100% डेली का पैसा डबल कर सकते हैं, लेकिन वो 3 दिन को आप अच्छे से सिर्फ फॉलो करना है। देखिए आपको अलग से कुछ नहीं करना है, मार्केट के बारे में कुछ नहीं सोचना, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, जो हम बताएंगे उसको सिर्फ फॉलो कर लिए तो आप जो है आगे डेली का डबल कर सकते हैं। बाकी मुझे लगा कि इस एकेडमी के बारे में आपको बताना चाहिए था, इसलिए सब तमाम जानकारी मैं बता रहा था। स्क्रीन पे मैं सर का जो है चैनल का लिंक भी चला रहा हूं और इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी और है बिहार वाले लोगों के लिए। देखिए अभी तक हमारा जो भी टारगेट स्टूडेंट थे वो बिहार के बाहर के लोग थे, क्योंकि बिहार के लोग बहुत कम है जो जानते हैं शेयर मार्केट को, अगर जानते भी हैं तो वो रिस्क नहीं ले पाते हैं, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, पैसा का प्रॉब्लम है, तो उन लोगों के लिए मैं एक छोटा सा सेमिनार रख रहे हैं पटना में जो 13 अगस्त को होने वाला है। आप छोटी सी टोकन अमाउंट को पे करके, सिर्फ होटल का जो खर्च है उसको पे करके आप हमको सुन सकते हैं, हम क्या उसके बारे में पूरा बताएंगे कि शेयर मार्केट क्या है, आप कैसे उससे पैसा बना सकते हैं। तो एक दिन का हम सेमिनार रख के 13 अगस्त को नेक्स्ट जो है 15-20 दिन सीट बुक आज से शुरू हो गया। आप कैसे कॉल कर जुड़ेंगे? आप मेरा नंबर पे कॉल कीजिए, मेरा नंबर है 7717756371 और नंबर है जो
डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, हमारा ऑफिस में कॉल करके अपना सीट को बुक कीजिए और एक दिन इस सेमिनार को आके अटेंड कीजिए, समझिए कि क्या होता है शेयर मार्केट, कैसे आप शेयर मार्केट से पैसा बना सकते हैं, सारा चीज आपको वहाँ दिखाएंगे हम कि आप कैसे पैसा। बाकी अगर आप उस कोर्स में भी कुछ स्ट्रेटजी हम शेयर करेंगे, उस दिन हम कुछ स्ट्रेटजी शेयर करेंगे, उस स्ट्रेटजी से भी आप डेली 500,000 रुपया इजिली आप निकाल सकते हैं, कैसे वो हम आपको बताएंगे, और ज्यादा अमाउंट 2,000-4,000 रुपया से उसको आप कर सकते हैं। और बाकी हमारी हर मंथ कोर्सेस होते रहती है, जो पूरे इंडिया से लोग आते हैं, हर जगह से लोग आते हैं, तो उस कोर्स के बारे में भी आप कॉल करके, फुल कोर्सेस के बारे में आप कॉल करके पूछ सकते हैं। हमारा लाइफ टाइम सपोर्ट रहता है, देखिए हम ये नहीं कि कोर्स आज दिया कल को, मतलब नहीं, हम हर संडे को आपको डॉट सेशन देते हैं। जो भी लोगों को परेशानी होता है, अगर मान लीजिए कि हम काम किए मंडे को और मंडे को हमको कोई एंट्री नहीं समझ में, कहाँ मार्केट क्यों ऊपर गया, कहाँ मार्केट क्यों नीचे गया, तो उसका कारण हम बताते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, संडे को डॉट सेशन लेते हैं हम लोग, वहाँ पे ऑनलाइन आकर के सभी लोग रहता है, अब वहाँ पे सब चीज़ बताते हैं, क्यों अगर कोई नई चीज़ आए तो वो हम लोग अपडेट करते हैं। हो सकता है आपका कोई क्वेश्चन नहीं हो, तो बहुत सारे लोग वहाँ पे होता है, तो उनके दूसरे लोगों के क्वेश्चन से भी सीखने के लिए हम मिलता है लोगों को, तो डॉट सेशन बहुत कारगर है। क्योंकि वो हर, देखिए क्या होता है कि कोई भी बिजनेस को करेंगे तो उसको समय के साथ अपने आप को जब तक अपडेट नहीं करेंगे, देखिए एक मोबाइल फ़ोन को हर 1.5 से 2 महीना के अंदर अपडेट करना पड़ता है, तो कैसे आप समझते हैं कि हम अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे तो हम इस मार्केट में सफल, इतना अच्छा मार्केट, इसमें कोई कंपटीशन नहीं है और जितना चाहे उतना पैसा निकाल सकते हैं, घर में बैठ के ये बिजनेस को कर सकते हैं, तो कैसे आप अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे। तो वो अपडेट करने के लिए हम आपके साथ हैं, हम आपको हर समय अपडेट करते रहते हैं, जो भी नई नई चीज़ें आती है मार्केट में वो हम आपको बताएंगे, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट में, कोई फी आपको पे नहीं करना, एक बार आपको सिर्फ ट्रेनिंग का फी पे करेंगे, उसके बाद लाइफ टाइम हमारे साथ जुड़े रहेंगे, हमारे फैमिली की तरह जुड़े रहेंगे, हमारे प्रेम एमसी ट्रेनिंग एकेडमी के फैमिली बन जाएंगे आप एक बार ट्रेनिंग करने के बाद। बाकी 13 अगस्त को जो आपका सेमिनार है, जी 13 अगस्त को पटना में हमारा सेमिनार होने वाला है, आप कॉल करके डिटेल्स जान लीजिए, सीट बुक हो रहा है, आप अपना सीट को बुक कीजिए, अपने फैमिली के साथ आइए, अपने दोस्तों के साथ आइए, समझिए इसको, और जो अभी खास करके स्टूडेंट लोग जो पटना में रह कर पढ़ता है और जो बेरोजगार है, उनका जॉब नहीं हो पा रहा है, तो उन लोगों को मैं कहना चाहूँगा एक बार आकर के अटेंड करो, इसको समझो कैसा पैसा बनता है, बहुत पैसा है, आपको जॉब की जरूरत भी नहीं पड़ेगा, इतना पैसा है। क्योंकि देखिए अगर आप जॉब करते हैं, जॉब और शेयर मार्केट में क्या अंतर है, वो प्राइवेट जॉब करते हैं या गवर्नमेंट जॉब करते हैं, अगर जॉब करते हैं तो जॉब और शेयर मार्केट में तीन आपका गोल कंप्लीट होता है, पहला क्या होता है कि आप जो है वहाँ पे टाइम समय को अपने अनुसार यूज करते हैं, अगर शेयर मार्केट को करते हैं, लेकिन अगर वही गवर्नमेंट जॉब करते हैं या प्राइवेट जॉब करते हैं, तो आज हमको किसी फ्रेंड का शादी है या हमारे घर में कोई एक्सीडेंट हो गया और हमको घर जाना है, बहुत ज़रूरी है, लेकिन आपके पास समय नहीं है, मतलब आप उस जॉब के वजह से अपने फ्रेंड के शादी में नहीं जा सकते हैं, या फिर कोई इमरजेंसी है घर में, कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया घटना, तो आप नहीं जा सकते हैं क्योंकि आप जॉब कर रहे हैं। लेकिन हम अगर शेयर मार्केट को करते हैं तो हम अपने अनुसार अपने टाइम को एंजॉय कर सकते हैं, और हमें टाइम हम अपने अनुसार एंजॉय भी करेंगे और हमारा पैसा भी बनते रहेगा, एक तरह से एकदम आजाद बिजनेस है। दूसरा ये होता है, लोकेशन का फायदा होता है, आप घर में बैठ करके इस काम को कर सकते हैं, लेकिन अगर गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो कल दिल्ली में जॉब कर रहे हैं तो हो सकता है ट्रांसफर आपका कल लखनऊ हो जाए, और उस ट्रांसफर की वजह से बार बार आपका बच्चे को स्कूल चेंज करना पड़ता है, आपको फैमिली को ले जाना पड़ता है, हो सकता है आपका ट्रांसफर ऐसा जगह हो जाए जहाँ आप फैमिली को नहीं ले जा पाए, लेकिन अगर शेयर मार्केट को करते हैं तो आप अपनी फैमिली के साथ इंजॉय के साथ आप काम कर सकते हैं। दूसरा है कि आप मनी इंडिपेंडेंट बन सकते हैं, आप जितना चाहे उतना पैसा इस मार्केट से निकाल सकते हैं, लेकिन वहाँ एक फिक्स आपका सैलरी मिलता है, उसमें ही आपको करना है जी, उसी में सब लाइफ टाइम आपको करना है। बाकी मुझे लगा कि जानकारी आपके पास तक पहुंचाना था, हम प्रेम एमसीएक्स एकेडमी का कॉन्टैक्ट नंबर भी स्क्रीन पे चला रहा है, उस नंबर पे कॉन्टैक्ट करके आप इनके टीम के साथ जुड़ करके बहुत सारी जानकारियां जुटा सकते हैं, और उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा होगा तो वीडियो को शेयर करिएगा, और 13 अगस्त को जो सरकार सेमिनार पटना में होने वाला है उसे जरूर अटेंड करके बहुत सारा चीज समझने का प्रयास करिएगा। जय हिंद।